खाना आपके सामने पड़ा है, पहले आपको एक एक चस्का है यार, एक बार जाओ ना। मैं जीत गई। हमने ज्यादा इंडियन टूरिस्ट नहीं देखे ना यहाँ पे अभी तक। मकाओ में देख ली नॉर्दर्न लाइट्स। आईफिल टावर ये रहा हांगकांग में, मकाओ में। बट अभी यहाँ पे लाइट्स नहीं जल रही है क्योंकि अर्थ आवर चल रहा है अभी यहाँ पे कुछ। हाय गाइस, हम लोग निकल रहे हैं तैयार व्यार होके। रात के बज रहे हैं कुछ 8:30। डिनर कहीं जाना चाहिए। सो ये होटल में ही ना मॉल बना हुआ है जहाँ की 5th फ्लोर में पूरी रेस्टोरेंट्स वगैरह। और ये देखो ऊपर, वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। मकाओ में देख ली नॉर्दर्न लाइट्स। ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट टू ईट। स्पाइसी स्ट्यूड चिकन ये मिल रहा है यहाँ पर 75 हांगकांग डॉलर्स। फिर तो बंद है रेस्टोरेंट, आधे रेस्टोरेंट्स तो बंद है। बस यही है और भी है कहीं यहाँ पे? मुझे फ्राइड चिकन खाना है, यहाँ का फ्राइड चिकन बहुत पॉपुलर है। अभी तो पता नहीं क्या ही मिलेगा, कितना खाली पड़ा हुआ है यार यहाँ पे। सब बाहर होंगे लगता है गाइस, कैसीनोज वगैरह में लोग जाते हैं ना इस टाइम पे। वेलकम बैक टू माई चैनल साइंस स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम लोग रेडी वेडी होकर निकल गए हैं, आपने देख ही लिया होगा पूरा ब्लॉग। अभी आईफिल टावर भी देखने गए, अभी अर्थ आवर चल रहा है जैसे मैं बताई थी, तो लाइट नहीं थी। एक तो सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है, मेरे को लग रहा है कौन सी जगह छोड़ूँ, कहाँ फोटो खींचूँ, हर जगह इतनी ब्यूटीफुल है। और अभी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं मैकडॉनल्ड्स में, हम सुन दिन आगे खाएं। मैकडॉनल्ड्स यहाँ से आई थिंक 5-10 मिनट दूर है दूसरे होटल में। मतलब अभी सारे होटल्स में ना मॉल्स बने हुए हैं जिनके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो दूसरे वाले होटल में है मैकडॉनल्ड्स, उसके अंदर जो मॉल है वहाँ तो हम ढूंढने जा रहे हैं। और टाइम कम है हमारे पास, तो फटाफट जा रहे हैं गाइस। वाओ अब तो सुंदर लग रहा है यार। सो हमने ना यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया है, एंड यहाँ पे ना दोनों लैंग्वेजेस में ऑप्शन आ रहे थे, इंग्लिश भी आ रहा था और चाइनीज़ मैंड्रिन भी आ रहा था, वरना बड़ी प्रॉब्लम होती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है यहाँ पर, नॉट एवरीबडी नोज़ हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। और द प्रॉब्लम इज चिकन में तो तब भी बर्गर्स हमें मिल गए, वेज में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। वेज में जैसे मम्मी वेज खाते हैं तो सिर्फ एग एंड चीज़ का ऑप्शन मिला है हमें, वो भी एग कोई खाता नहीं है तो उसके लिए तो एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। नो वेजिटेरियन बर्गर, सिर्फ आई थिंक एक टार्ट देखा था हमने डेजर्ट में कुछ, बट अदरवाइज बर्गर फ्राइज हैं, बर्गर सैंडविचेस कुछ भी नहीं है उसमें कुछ। वो देखिए पर्ची ना गाइस, ऑर्डर आ गए। एंड ऑल्सो डू यू हैव एन एक्स्ट्रा ग्लास स्मॉल स्मॉल? कैन वी गेट दिस विदाउट आइस प्लीज इफ पॉसिबल? नो आइस।
थैंक यू सो मच. एंड हाउ लॉन्ग इज दिस ओपन फॉर? क्लोजेज एट 11 PM. या गाइज ऑर्डर आ गया. एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीइंग अ व्लॉगर है कि खाना आपके सामने पड़ा है, पहले आपको लेके इन वीडियो शूट करनी होती है. मेरे को इतनी भूख लग रही है और मम्मी पापा बेचारे ऐसे देख रहे हैं. हमने ना मैक चिकन मैक विंग्स ऑर्डर करे हैं यहाँ पे, एंड मैक चिकन बर्गर है दो, मैक स्पाइसी बर्गर है, देन वन एग एंड चीज बर्गर है, सम फ्राइज. दिस कॉस्टेड इज अराउंड $225. मम्मा आपको कैसा लग रहा अपना एग एंड चीज? सही है जो आपको लग रहा था, एक कच्चा कच्चा वाला ना हो वैसा है. ठीक, मेरा है मैक स्पाइसी चिकन बर्गर. वैसे लगता है इंडिया में होता है क्रिस्पी चिकन बर्गर जैसा होता है ना इंडिया में, फेवरेट उन्हीं तो मैं तो बहुत खाते हैं. उन्हीं इंडिया में मिल रहा है हांगकॉन्ग में सेम बर्गर. सो अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ना तो आप सेल्फ सर्विस में यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, सेल्फ ऑर्डर कर सकते हो, इंग्लिश सेलेक्ट करके ईट इन या टेक आउट. हाउ डू हैव टू पे? पे कैश एट पिकअप काउंटर. ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे. आला कार्ट चेक करें. आला कार्ट में जाके अगर आपको चिकन को बीफ क्रिस्पी थाई विंग्स नगेट्स फिश एंड अदर्स जो लेने ले सकते, सैलड्स भी है. सैलड्स में यूल गेट सीजर सैलड $53 का. फिश एंड अदर्स में मतलब फिश एंड अदर्स में एक तो फिश का बर्गर आ रहा है, एंड देन द अदर वन इज एग एंड चीज़ बर्गर. वेजिटेरियंस के लिए एग का ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये ले सकते हैं. यहाँ पर आप क्लिक करोगे ऐड हो जाएगा. इसमें $30 गए बर्गर, ₹350 का एक बर्गर है गाइस, ₹350 का. देखो क्या क्या है इसमें. हैप्पी मील में नगेट सॉस कुछ भी सिलेक्ट कर लें. कौन सा बाबी की उनको टॉय भी मिलेगा गाइस इसमें. और वो चैलेंज क्या लेना रश कौन सा चाहिए क्या करूँ. चिकन फिले और हैप्पी मील में चिकन नगेट्स है, हॉट चॉकलेट है. ड्रिंक लेंगे तो पीने के ठंडी हॉट. मकाओ में हूँ तो हांगकॉन्ग डॉलर ही यूज़ कर सकते हैं. मकाओ की अलग सी करेंसी होती है वैसे, बट यूजिंग हांगकॉन्ग डॉलर ही यूज़ करते हैं. मैं आपको बता दूँ इंडियन करेंसी में कैलकुलेट मत करना क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी लगेगी. जैसे हमें टोरंटो में लगती है एक बर्गर ₹350 का पड़ा है, वो भी बेसिक वाला बर्गर. Guys, we just got a happy meal. इसके लिए क्या puzzle है. Vegetarians के लिए एक और option हमने explore करा, that is corn. और इसमें वो जैसे वहाँ तो मिल जाता है ना चाट मसाला लेमन, ये वो वैसा वाला नहीं है, just normal corn. Got it. और साथ में हॉट चॉकलेट लिया है. अमाउंट जो हमारा टोटल आया है 4,000 का, हमारा टोटल बिल बन गया है यहाँ पे. तो जनरली अगर हम इंडिया में होते तो इतना तो नहीं बनता, इसका हाफ हो जाता आराम. अभी हमारा खाना पीना हो गया गाइस ने, अभी तो हम सुबह ही पहुँचे थे यहाँ पर. आईफिल टावर देखा आपने कितना बिल्कुल लग रहा था. अभी हम वापस से जाने वाले हैं यहाँ पर, पूरे एरिया में जो 3-4 होटल्स हैं वो एक्सप्लोर करने वाले हैं. कैसीनो जाएंगे बट कैसीनो के अंदर पता नहीं, आई डोंट थिंक सो अलाउड है कैमरा, तो वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी. कैसा लग रहा मम्मा? बहुत बढ़िया. मकाओ में आकर आप सारी कंट्रीज घूम रहे हो. वेनिस में भी घूम लिया आपने, पेरिस भी देख लिया, अभी और देखेंगे जाके. एक जगह में आके सब कुछ घूम लिया. वाओ वाओ, जस्ट फीलिंग लाइक अ वाओ. या गाइस, ये पूरा वेनिसियन होटल है और उसके अंदर ये मॉल है और वो कैसीनो है. वही है ना कैसीनो? हाँ यही है. जैसे कैसीनो में अंदर ना व्लॉग नहीं कर पाऊंगी, मेरा फोन भी ले सकते हैं ये लोग. तो बस चलते हैं अब हम. लेट्स गो मम्मा. वेनिसियन होटल का ये कैसीनो है जहाँ से हम आ रहे हैं अभी. ये कैसीनो था और गाइस लाइक मैं टू कैसीनो से मैं जीत गई. आई एम सो हैप्पी. तो यार बहुत शोर आ रहा है. वाओ,
बिल्कुल ऐसे वेनिस पेरिस वाली थीम पे बना हुआ है, इतना अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये। नीचे पानी है यहाँ पे। सो गाइज, एक तो रात के 12:30 एक बजने वाले हैं एक्चुअली, और बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि इतना लेट हो गया, काफ़ी लोग हैं। और हम तो कैसीनो के अंदर से आ रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तो जैसे मैं आपको बता रही थी अंदर हम कैसीनो में थे, तो गाइज मैं बता दूँ कि हम लोग कैसीनो में थोड़ा खेल कर आए हैं। ऑलमोस्ट ओवरऑल हम जीत कर आए हैं, हारे नहीं। बट ये है कि चस्का है यार, एक बार जाओ ना उसके बाद आपको मन करता है एक बार जीत गए फिर लगाते रहो। बट हमने ऐसे नहीं करा, एक बार मैं जीती मैं तो वहाँ से हट ही गई, उसके बाद गई नहीं। बट इट वॉज सो मच फन, कैसीनो इज रियली नाइस। और यहाँ पर ना हर होटल में वेनिसियन है, पेरिसियन है और इससे और प्रॉपर्टीज है, हर होटल में ना आपको यहाँ पर कैसीनोज मिल जाएंगे। एंड फ्री ऑफ एंट्री होती है वहाँ पर, एंट्री जो है फ्री होती है वहाँ पर, तो आप अंदर जा सकते हो। आपको खेलना है तो आप कॉइन्स परचेज कर सकते हो पैसे देकर, नहीं खेलना तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक अराउंड। और अंदर फ्री ड्रिंक्स वगैरह भी मिलती है, तो अपना वो पी पा के और देख के सॉफ्ट ड्रिंक्स पी ली, कॉफ़ी टी ले ली और घूम घाम के आ सकते हो, आपकी मर्जी है खेलना है नहीं खेलना है। कैसीनोज कब तक खुले होते हैं? 24 आवर्स। तो इनका कोई क्लोजिंग टाइम नहीं होता पापा, केयरफुल। तो 24 आवर्स कैसीनोज यहाँ पर खुले रहते हैं, तभी ना यहाँ पे मकाऊ को बोला जाता है लास वेगास ऑफ चाइना। मुझे तो आदत है ऐसे रोड क्रॉस करने की, कनाडा में ऐसे ही होता है, टोरंटो में। ये ग्रीन वाली लाइट जल रही है यहाँ पे, एंड देन यू कैन क्रॉस द रोड। पुलिस वाले ऐसे नहीं खड़े होते यहाँ। इंडियन टूरिस्ट की अगर मैं बात करूँ, हमें ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट नहीं दिखे ना यहाँ पे अभी तक। मतलब दिखे हैं दो चार टाइप्स, और इवन मतलब ज़्यादातर क्राउड जो है वो चाइना या हांगकांग से लोग आए हुए हैं यहाँ पे स्टेकेशन टाइप्स के लिए आए हुए हैं, ज़्यादा टूरिस्ट लोग नहीं दिखे। इंडियंस तो मेरे को ज़्यादा दिखे ही नहीं है, बाकी होटल्स में कुछ कुछ। क्या कह रहे हो पापा, कैसीनो में आपको दिखे थे? फिर जीते और भागे तो कम हो गए, जीते और भागे या हारे और भागे। गाइस यहाँ पर ये क्लॉक टावर है जिसको हम बिग बेन बोलते हैं। जो जीते हैं निकालो। तो ये एक और प्रॉपर्टी आ गई है, द लंडनर। होटल के अंदर यहाँ से हम जा रहे हैं अपने पेरिसियन होटल। सारे होटल्स यहाँ से इंटरकनेक्टेड है अंदर से, जैसे आप ये देख रहे हो एस्केलेटर है ये वाला, इसमें हम जा रहे हैं। यहाँ से वॉक करते करते जाएंगे हम पेरिसियन होटल, एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे गाइज। आई होप यू गाइज हैड फन, आपको अच्छा लग रहे हो मेरे ब्लॉग्स, मतलब एक ही ब्लॉग आया अभी, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्लोर जितना हो सकता है। और जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मिस आउट हो भी जाएगी वो मैं लास्ट ब्लॉग में डेफिनेटली बनाऊंगी। So that's about it for this video guys. I hope aapko achha laga ho aaj ka vlog. If you like my today's video, please do like, share and subscribe to my channel. And I'll see you in my next video. Bye. 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 Bye.